अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आप दुआ, सब्र और यकीन से मुतलिक बहुत ही खूबसूरत अकवाल सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे आखिर तक ज़रूर देखें। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो ये ना कहे, ए अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, बल्कि वो पुख्तगी और इसरार से सवाल करे और बड़ी रग़बत का इजहार करे, क्योंकि देने के लिए अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है। अगर आप दुआ करते हैं ना तो यकीन भी रखा करें कि वो अल-मुजीब है, वो दुआएं कबूल करने वाला भी है। जब जब हम आंसू बहाते हुए रब को पुकारते हैं, हमारे हर आंसू के बदले वो 100 बार जवाब देता है, हाँ मेरे बंदे। उस रब के करने से या ना करने से, देने से या ना देने से, लेने या देकर लेने से उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ऐसा करने की बजाय बस उस ज़ात पर यकीन रखो कि तुम उसके हो और वो तुम्हारा है, और बस यही सच है। यकीन जाने इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे दुख, तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़े। और पता है इंसान की सबसे बड़ी खता क्या है? वो अल्लाह से पहले इंसान के आगे रोता है। दुनिया में इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ वो उम्मीदें देती हैं जो उसने दुनिया से लगाई होती हैं। अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह से अच्छा दोस्त कोई नहीं। कुरान करीम में इरशाद पाक है, और तुम्हारे रब ने फरमाया, तुम लोग मुझसे दुआ किया करो, मैं ज़रूर कबूल करूँगा। जब अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो फिर शक में नहीं पड़ते, फिर बस अल्लाह पर छोड़ देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने साए में पनाह देगा। उनमें एक वो शख्स भी है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह भूल चुका, जिंदगी आजमाइश बन गई, दुआएं कबूल नहीं होती। पूछा, नमाज़े फजर पढ़ते हो? बोला, आंख नहीं खुलती। शाखों को खाली भी अल्लाह की ज़ात करती है, और शाखों को फूलों और फलों से भरता भी अल्लाह है, फिर तुम्हें कौन सी बात अल्लाह से मायूस करती है? बस बीज ज़रूर बोना, वो बीज दुआ की सूरत में है, नियत की सूरत में है, गुमान की सूरत में, सब्र और उम्मीद की सूरत में है। दुआ करोगे तो अल्लाह पाक उसको हरा भरा करेगा, सच्ची नियत होगी तो अल्लाह उसको फल देगा, जैसा गुमान होगा वो तुमसे वैसा पेश आएगा। सब्र और उम्मीद करोगे तो शाखों की डालियां फलों से भर जाएंगी। अल्लाह पे भरोसा रखो। दुआ एड़ियां रगड़ने पर आ जाए तो फिर जमजम को जारी होना पड़ता है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है कि सबसे जल्दी कबूल होने वाली दुआ वो है जो बंदा किसी के लिए उसकी गैर मौजूदगी में करे। अल्लाह पर यकीन सख्त अंधेरे में भी रोशनियां पैदा कर देता है।
नसीब से ज़्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए तो तब इंसान के पास दुआ ही बचती है जो नसीब बदल देती है। रात के पिछले पहर सब जहानों का खुदा दे रहा था सदा, कोई पुकारे मुझे मैं सुन रहा हूँ, कोई मांगे तो सही झोलियाँ भर भर के दूँ, कोई तोबा तो करे माफ़ मैं झट से करूँ। और हम नींद में इस सदा से बेखबर, उस खुदा से बेखबर, जन्नतों की चाह में ख्वाब देखते रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। वो गुनाहगारों की दुआ भी सुना करता है। हाथ मायूस ना होंगे, उठाकर तो देखो उस रब के करने से या ना करने से, देने से या ना देने से, लेने या देकर लेने से उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ऐसा करने की बजाय बस उस ज़ात पर यकीन रखो कि तुम उसके हो और वो तुम्हारा है, और बस यही सच है। यकीन जाने इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे दुख, तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़े। और पता है इंसान की सबसे बड़ी खता क्या है? वो अल्लाह से पहले इंसान के आगे रोता है। दुनिया में इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ वो उम्मीदें देती हैं जो उसने दुनिया से लगाई होती हैं। अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह से अच्छा दोस्त कोई नहीं। कुरान करीम में इरशाद पाक है, और तुम्हारे रब ने फरमाया, तुम लोग मुझसे दुआ किया करो, मैं ज़रूर कबूल करूँगा। जब अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो फिर शक में नहीं पड़ते, फिर बस अल्लाह पर छोड़ देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जियो और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।